नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें हमारे चैनल सक्षम न्यूज इंडिया की ताजा खबरें। धन्यवाद। एजुकेशन सेंटर व एसके बजाज फाउंडेशन के माध्यम से खेल महोत्सव सेकंड का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस खेल का आयोजन पिछले दो साल से लगातार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कार एजुकेशन सेंटर के अध्यक्ष रमेश कन्हार, भाजपा नेता संतोष केलकर, आदर्श रामलीला कला मंडल के अध्यक्ष हरवंत सिंह, संचालक राकेश शुक्ला, ओंकार सिंह, जीवन पाठक सतीश शुक्ला, यासीन शेख मंच पर उपस्थित रहे। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके तत्पश्चात राष्ट्रगान किया गया। इसके बाद बच्चों ने कबड्डी खेल प्रारंभ किया। इसके इसी तरह कई खेल तीन दिनों तक खेला जाएगा। सेंटर का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और देशवासियों को शुभ दीपावली। 14 तारीख को जैसे बाल दिवस है, छठ पूजा होने की वजह से दो दिन पूर्व हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। एसके बंजारा फाउंडेशन और संस्कार एजुकेशन सेंटर द्वारा ये कार्यक्रम लिया गया है, जिसमें कि हमको रामलीला मैदान के अंदर जो हमारे मित्रगण हैं शुक्ला जी और हरिवंश जी, इन सबका हमको सहयोग मिला है और यासीन शेख जो हमारे मित्र हैं उन्होंने भी हमें मदद किया है और हम यहाँ के रहवासियों का और यहाँ के पदाधिकारियों का सबका शुक्रिया अदा करते हैं। पराग जी किसी विषय से आ नहीं पाए थोड़ा, और संतोष केलकर जी की भी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हम लोगों ने ये इंसेंटिव 2 साल से ले रहे हैं। बच्चे जो आज की तारीख में कंटिन्यू मोबाइल में बिजी रहते हैं, मोबाइल के ऐसे ऐसे गेम आज चले हैं जिसके अंदर बच्चों को मेंटली डिस्टर्बेंस है, तो एक बहाना ढूंढा गया कि किसी बहाने से 10-5 दिन बच्चों को बिजी रखा जाए। उससे उनको शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा और खेल तो खेल ही होता है बच्चों का। कुल मिला के 19 खेल हैं, जिसमें लंगड़ी, रस्सी कूद, रंगोली, मेहंदी, खो खो, कबड्डी जैसे 19 गेम है जो छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा लुभावित करता है। और हम लोगों का मेन मकसद यही है कि वो मोबाइल गेम से हटकर मैदान वाले गेम में आए, जिससे कि उनका शारीरिक विकास हो और जो मोबाइल से उन लोग मेंटली जो हरास हुए हैं उस चीज़ को दूर करने का मेन टारगेट हम लोगों का ये है। उन सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि वो मोबाइल जैसे खेल से दूर रहें और मैदान वाले खेल में आएँ, जिससे कि उनका शारीरिक विकास होगा, मन भी तंदुरुस्त रहेगा, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और जिससे कि वो और अपने आगे के